शनिवार का दिन सिद्दीकी परिवार के लिए बेहद दुखद रहा। परिवार के मुखिया और वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी का निधन हो गया। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी 48 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन उनकी मृत्यु, उनका निधन वास्तविक या स्वाभाविक नहीं था, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। जब तक उनके शरीर से प्राण उड़ नहीं गए, तब तक उन पर गोलीबारी होती रही। हमलावरों को अब पकड़ लिया गया है, जांच जारी है, पड़ते खुलेंगी। लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसने हमले की जिम्मेदारी ली है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर बाबा सिद्दीकी थे कौन। बाबा सिद्दीकी के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड यानी कि फिल्म जगत और सियासत यानी कि राजनीति के बीच का पुल माना जाता था। एक ब्रिज के तौर पर वो काम किया करते थे। नेताओं के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कैसे हों, किस प्रकार से हों, कब हों, किन के साथ हों, कई बार इसमें अहम भूमिका खुद बाबा सिद्दीकी ने निभाई। बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस पार्टी में रहे तकरीबन 5 दशक तक, 48 वर्षों तक। फिलहाल वर्तमान उनके जो बेटे हैं वो विधायक हैं। बांद्रा पूर्व में उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हमलावर आते हैं और उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं। इलाज उनका लीलावती अस्पताल में किया जाता है, वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, दम तोड़ देते हैं वो। पोस्टमार्टम भी हो चुका है और सुपुर्दे खाक भी उनको कर दिया गया है। बाबा सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो शुरुआत उन्होंने किशोर के तौर पर युवा कांग्रेस के साथ जुड़कर वर्ष 1977 में की थी। इसके बाद वो 1999, 2004 और 2009 का विधानसभा चुनाव भी जीते थे। इसके बाद 2004 से लेकर 2008 के बीच महाराष्ट्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री की हैसियत से उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी भी निभाई। इसी साल फरवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी कद रखते थे। आप देख सकते हैं कि जब उनकी मौत की खबर आई तो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कई एक्टर्स जिसमें संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान शामिल हैं, सब पहुंचे उनसे उनके अंतिम दर्शन करने, उनके परिवार के प्रति हमदर्दी जताने के लिए। खुद अजीत पवार भी पहुंचे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी लगातार अपना बयान दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितना बड़ा सियासी कद था इस शख्स का, यानी कि बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी के दो बच्चे हैं, दो संतानें हैं, जिसमें से एक जो बेटी है वो डॉक्टर है, जबकि बेटा विधायक है। बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर हुआ करते थे। ऐसा कोई भी सेलेब नहीं था जो उनकी पार्टी में ना जाता हो, और ये भी एक वक्त में कहा जाता था कि जो कोई भी उनकी पार्टी में नहीं जाए तो उसके लिए ईद मुकम्मल नहीं होती। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। अब देखना है कि जांच में और क्या कुछ सामने आता है।